दुमका के बाबूपुर में संचालित बाबा राइस मिल पर एसडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में औचक छापेमारी की गई, जिसमें कई तरह की त्रुटियां पाई गई। इसे लेकर एसडीओ ने बिजली घर को सील कर दिया है, साथ ही जिससे राइस मिल का संचालन ना हो सके। एसडीएम कौशल कुमार ने कहा कि लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि बाबा राइस मिल के संचालक की तरफ से नियम कानून को ताक में रखकर राइस मिल चलाया जा रहा है, जिसे देखते हुए औचक निरीक्षण किया गया, जिस दौरान ये गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसको जमा करें ताकि बेहतर कार्रवाई किया जाए। सर, इसके अलावा भी कई मील है या? बिल्कुल, सभी में हम लोग इस तरह का कार्रवाई होगी। प्रशासन के द्वारा इस तरह का कार्रवाई किया जाएगा, जिसमें एक मौके का सबूत दें कि इस तरह का गड़बड़ कहीं भी ना हो। जो लोग भी अपना काम करें, नियम से करें और नियम संगत। सर, क्या इनपुट थे और इसकी? मैंने बताया कि बहुत लंबे समय से आ रहा था कि इनके द्वारा जो सरकारी नॉर्म्स है उसका पालन नहीं किया जा रहा, जिसके कारण इस तरह की कार्रवाई की, संयुक्त रूप से छापामारी करके जाँच किया गया। और इस पर अधिक बात करने के लिए दुमका से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कुणाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, जिस तरीके से एसडीएम ने यह कार्रवाई करते हुए बिजली रूम को जो है सील कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, बता दूं कि एसडीएम को लगातार जो है सूचनाएं मिल रही थी कि नियम को ताक पे रख के पूरा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जो है औचक छापामारी किया, उनके साथ जो है जिले के तमाम अधिकारी थे, स्पोर्ट्स सेफ्टी के पदाधिकारी, सीओ, थाना प्रभारी के साथ उन्होंने छापामारी किया, तो देखा कि वहां पर कई ऐसे त्रुटियां देखने को मिली। सेफ्टी को लेकर कोई भी जो है पालन नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो दस्तावेज मांगा गया, जो भी कागज मांगा गया, वह भी उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ऐसे में उन्होंने एसडीएम ने वहां पर मौके पर बिजली घर को पहले वो सील कर दिया और बोले कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर कार्यालय पहुंचे और जांच कर जो भी कमियां पाई जाएगी, जो भी त्रुटियां पाई जाएगी, उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, इस तरीके से कई राइस मिल संचालित किए जाते हैं, क्या वहां पर भी निरीक्षण किया जाएगा? जिस तरीके से यहाँ पर छापेमारी की गई, औचक निरीक्षण किया गया, कहीं ना कहीं जो बाकी जो यहाँ पर राइस मिल के संचालक होंगे उनमें हड़कंप मचा हुआ होगा। बिल्कुल, यह कार्रवाई जो है दुमका के लिए बड़ी कार्रवाई है। जो है जिस प्रकार से पूरा जिला का आला अधिकारी राइस मिल पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं जो भी इस तरह के लोग हैं, जिस संचालक हैं, उन पर हड़कंप पहुंचा। इसके साथ ही अधिकारी का कहना है कि इस तरह की सूचनाएं अगर हम लोगों को कहीं मिलती है तो इसके बाद भी कार्रवाई होगा, दूसरे भी राइस मिल पर होगा। यह जो है कार्रवाई पहली कार्रवाई है और इस कार्रवाई के बाद जो है यह शुरू है। ऐसे में कहीं अगर ऐसा सूचना मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल कुणाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।